योग दिवस पर आज मुंबई के कई ठिकानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सानपाड़ा में बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आमले ने योग और ध्यान शिविर लगाया, जहां प्रशिक्षकों के जरिए नागरिकों ने ध्यान और शारीरिक योग का अभ्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। देखिए झलकियां। आज नई मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही। इस अवसर पर जगह जगह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सानपाड़ा में बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आमले ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने ध्यान और योग का अभ्यास किया। यहां प्रशिक्षकों ने शारीरिक योग और मेडिटेशन के जरिए स्वस्थ और आनंदित जीवन का मंत्र सिखाया। युवा नेता पांडुरंग आमले ने कहा कि विधायक मंदाताई मात्रे के मार्गदर्शन में हर साल यहाँ योग दिवस मनाते हैं, ताकि नागरिक उसका लाभ उठा सकें। उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार जताया, जिनकी पहल पर आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। आज जागतिक योग दिवस आणि या योग दिवसाचं औचित्य साधून आज सानपाड्यामध्ये आम्ही एवढ्या चांगल्या प्रकारे योगाचं प्रशिक्षण शिबिर आयोजन केलं होतं। या शिबिराचं आयोजन करत पाहता आमच्या सानपाड्यातील रहिवासी रिटा सोनी व तृप्ती तांदणे यांच्या संकल्पनेतून आम्ही इथे केलं होतं। त्याचप्रमाणे आमचे आदरणीय आमदार मंदाताई मात्रे यांचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभलं आणि त्यांनीच आम्हाला सूचना दिल्या की असं काही एखादं शिबिर सानपाड्यात राबवू शकतो तर तू राबव, आणि मग त्याचमुळे आम्ही आज एवढ्या मोठ्या भव्य दिव्याप्रमाणे इथे हे शिबिर राबवलं। आमचे ज्येष्ठ नागरिक असतील, आमच्या महिला भगिनी असतील, त्याचप्रमाणे लहान मुलंसुद्धा इथे मोठ्या संख्येने हजर होते। अत्यंत चांगल्या प्रकारे योगाचं प्रशिक्षण त्यांनी घेतलेलं आहे आणि त्याचबरोबर मलासुद्धा हे प्रशिक्षण घेण्याचा लाभ भेटला। तुम्ही योगा दैनंदिन तुम्ही रोज केल्यामुळे तुमच्या शरीरास सुदृढ बनू शकते, निरोगी राहू शकतात व कुठल्या प्रकारचे विकार होणार नाही। म्हणून मी सगळ्यांना आवाहन करेल की आज जर तुम्ही जे काही प्रकार शिकलेले आहात ते तुम्ही रोजच्या रोज दैनंदिन करावेत। यहाँ पे सानपाड़ा में योग सिखा के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आमले जी का कंट्रीब्यूशन कि मैंने उनसे एक बार बात की कि आप कुछ स्टार्ट करें इंटरनेशनल योगा डे के दिन, उनने तुरंत स्टार्ट किया। हर लोग यहाँ पे इस बारे में नॉट ओनली अवेयर थे, वो चाहते थे हम आगे भी इसको कंटिन्यू करें। और वो चीज़ जो मोदी जी चाहते थे इस देश में कि योगा घर घर तक पहुँचे, हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, आज वो अवेयरनेस मैंने सानपाड़ा में देखी और हम सभी इसको पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं। मोठ्यात मोठ्या संख्येने इकडे योगा कसा असतो त्याचं प्रशिक्षण घेतलं आणि मला असं वाटतं हास्य योगा, रिदमिक योगा आणि नॉर्मल योगा याची आसनं कशी असतात ही सगळ्या योग गुरूंनी त्यांना सांगितली। ते माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी ज्या पद्धतीनं योगाचा प्रसार आणि योग आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य घटक बनला पाहिजे हा प्रचार आणि प्रसार ते करत आहेत, मला असं वाटतं खूपच छान गोष्ट आहे की आपण फिट राहण्याकरता आणि हेल्दी राहण्याकरता योग आपल्या आयुष्यामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे। याच्यासाठी मी आपल्या सानपाड्याचे जे समाजसेवक आहेत आदरणीय श्री पांडुरंग दादा आमले आणि त्याचबरोबर शारदा वहिनी या दोघाही आयोजकांना मी खूप साऱ्या शुभेच्छा देईन, धन्यवाद देईन, आभार मानेन। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।